दलहन फसलों के मोर्चे पर देश के लिए एक अच्छी खबर है। इस साल चने का बम्पर उत्पादन हुआ है, जिसकी वजह से चने के आयात में भारी कमी दर्ज की गई है। दलहन फसलों में चने का करीब 45% का योगदान है। ऐसे में इसके उत्पादन में वृद्धि किसी सफलता से कम नहीं है। साल 2020-21 में 11.91 मिलियन टन चना उत्पादन हुआ था, जबकि 2021-22 में 13.98 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है। इस वजह से देश में कुल चना आयात में करीब 31% की कमी भी आई है। पिछले साल यानी 2020-21 में 2.95 लाख मैट्रिक टन चने का आयात किया गया था, जो 2021-22 में घटकर सिर्फ 2.02 लाख मैट्रिक टन रह गया। भारत अभी तक दलहन फसलों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए संघर्ष कर रहा है। हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की दालें हम लोग आयात करते हैं, इसलिए सरकार का फोकस है कि किसान दलहन फसलों की अधिक बुआई करे। इससे 3 फायदे होंगे। दलहन फसलों में पानी की कम खपत लगती है, इसकी कीमत अच्छी मिलती है, उत्पादन ज़्यादा होने से विदेशी निर्भरता कम होती है। पिछले साल की तुलना में अप्रैल से फरवरी 2022 के दौरान काबुली चने का आयात 60% गिरकर 0.61 लाख मैट्रिक टन दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इसी दौरान यह आंकड़ा 1.53 लाख मैट्रिक टन था। वहीं पिछले साल की तुलना में सालाना आधार पर देसी चने का आयात 0.4% की गिरावट के साथ 1.40 लाख मैट्रिक टन दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1.41 लाख मैट्रिक टन का आयात हुआ था। हालांकि दूसरी दालों पर विदेशी निर्भरता बढ़ गई है। कुल दलहन फसलों के आयात में 11% का इजाफा भी हुआ है। साल 2020-21 में 25.05 लाख मैट्रिक टन दलहन फसलों का आयात किया गया था, जबकि 2021-22 में 27.72 लाख मैट्रिक टन का आयात हुआ। मूंग इंपोर्ट 139%, तुअर का 90 और उड़द का 90% का इजाफा हुआ है। वहीं 1 मार्च से 15 जून 2022 के दौरान मंडियों में चने की आवक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 17.4% की बढ़ोतरी के साथ 15.70 लाख मैट्रिक टन दर्ज की गई है। इस साल मार्च महीने के दौरान आवक 21% कम दर्ज की गई है। हालांकि अप्रैल के बाद से इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब तक सालाना आधार पर आवक में 17.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चने का उत्पादन सालाना आधार पर 17.4% बढ़कर 139.8 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। वहीं गुजरात में चना उत्पादन 49% बढ़कर 21.4 लाख मैट्रिक टन, राजस्थान में चना उत्पादन 20% बढ़कर 27.2 लाख मैट्रिक टन और महाराष्ट्र में चना उत्पादन 15% बढ़कर 27.6 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।